अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए हैं। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेके आएँ, बहुत ही किचन का काम आने वाला है और बहुत ही किचन का पैसा बचत होने वाला है। समय और पैसा आपका दोनों बचत होगा। चलिए यहाँ पर हम पहला टिप्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा कटोरा लिए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कटोरा को और यहाँ पर हम क्या चीज़ डालेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम दो कलछी जैसा यहाँ पर हम चीनी डालेंगे। अक्सर क्या होता है, कभी कभी हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं तो किसी किसी का चाय बाहर का पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पर छोटा सा हम टिप्स लेकर के आए। बहुत ही आसानी से बन करके तैयार भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दो कलछी चीनी लेने के बाद एक चम्मच यहाँ पर हम चाय पत्ती लिए हैं। अब यहाँ पर हम चाय पत्ती लेने के बाद यहाँ पर हम छोटा इलायची दो गो डालेंगे और आगे हम यहाँ पर क्या चीज़ डालेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। वीडियो में बना रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब जाके आप लोग का पता चलेगा यहाँ पर हम क्या चीज़ डालेंगे। और हम एक कलछी जैसा यहाँ पर हम मिल्क पाउडर डालेंगे। ना ही यहाँ पर हम गैस का इस्तेमाल करेंगे और ना ही यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, घंटों के का मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगा। और आप कहीं भी जाइए, इस तरह अगर बना करके ले जाइएगा तो आप आसानी से चाय बना करके पी सकते हैं। ना ही आपका गैस का खर्च होगा और ना ही आपका ज़्यादा समय लगेगा और ना ही बाहर का चाय पीना पड़ेगा। अब यहाँ पर अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और यहाँ पर हम जितना भी यहाँ पर चीनी चाय पत्ती और मिल्क पाउडर वगैरह जितना मिलाए हैं सब हम मिक्सी का जार में डाल देंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर हम महीन होने तक अच्छी तरह से पीस लेंगे। जैसे एकदम पाउडर जिस तरह बनता है एकदम उसी तरह बना करके हम यहाँ पर तैयार करेंगे। और आगे दिखाते हैं यहाँ पर हम किस तरह यहाँ पर हम चाय बना करके हम तैयार करेंगे, वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। वीडियो में बना रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर हम चाय बना करके तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से पीस लिए हैं, एकदम यहाँ पर पाउडर जैसा यहाँ पर बना लिए हैं। जैसे यहाँ पर छोटा छोटा जो चीनी वगैरह रहता है दाना जैसा, वो नहीं रहना चाहिए, एकदम एकदम पाउडर जैसा बनाना है, तब जाके आपका बहुत ही अच्छी तरह से चाय बन करके तैयार हो जाएगा। एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। यहाँ पर जो घर का सामान है उसी से ही बन करके तैयार हो जाएगा आपका चाय। कितनों आप बाहर में आदमी जाइएगा तो आसानी से सब आदमी को चाय बना करके पिला सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक गिलास लिए हैं। अब यहाँ पर हम गर्म पानी लेंगे, एकदम ज़्यादा गर्म रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम गर्म पानी को यहाँ पर हम गिलास में हम डाल देंगे और यहाँ पर जो हम अच्छी तरह से यहाँ पर हम पीस करके पाउडर बना करके रखे हैं उसको यहाँ पर हम डालेंगे। एक चम्मच दो चम्मच आपको जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम दो चम्मच यहाँ पर हम डाल रहे हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर हम घोलेंगे। अभी देखिए कितना अच्छी तरह से यहाँ पर चाय बन करके तैयार हो जाएगा, एकदम घंटों के का मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगा। नहीं आपका ज़्यादा समय लगेगा और नहीं एक पैसा आपका खर्च होगा बाहर में। इस तरह करके बना करके आप बाहर में पी सकते हैं आसानी से। एकदम चाय का कलर हो गया है, बाहर का चाय किसी किसी का पसंद नहीं लगता है, तो इस तरह करके बना करके ले जाइए साथ में और गर्म पानी डाल करके ले जाइए थर्मस में और कहीं भी जाइए चाय बना करके आसानी से पी सकते हैं। और आपका नहीं होटल का चाय पीना पड़ेगा और नहीं आपका ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक बिस्लेरी बोतल लिए हैं, आप चाहे तो कोई भी बोतल ले सकते हैं। यहाँ पर हम बिस्लेरी वाला लिए हैं। बिस्लेरी बोतल में बहुत ही अच्छी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, बहुत ही आपका किचन का काम आएगा। अक्सर क्या होता है, कभी कभी इस तरह बोतल हम लोग को खाली हो जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है, इस तरह कीजिएगा तो आपका बहुत ही किचन का काम आएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा होल कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कैंची से कट लगाएंगे। देखिए इस तरह करके कट लगाना है। अक्सर क्या होता है, बारिश का सीज़न आ गया है, बारिश का सीज़न में बच्चा लोग जाते हैं स्कूल, चाहे बड़े आदमी इधर उधर जाते हैं तो जूता चप्पल भिगा करके लाते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होता है हम लोग को सुखाने के लिए। तो इस तरह करके अगर रखिएगा पहले से ही आप घर में बना करके तो बहुत ही आपका काम आएगा और आपका बहुत ही इसमें समय भी बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह करके हम कट लगा लेंगे, बीच बीच में हम कट लगाएंगे। मौसम में बच्चा लोग स्कूल जाते हैं चाहे बड़े आदमी इधर उधर जाते हैं तो उन लोग जूता चप्पल भीग जाता है, तो कभी कभी क्या होता है दो दिन तीन दिन बारिश छूटता नहीं है तो बहुत ही दिक्कत होता है जूता चप्पल सुखाने में। अब यहाँ पर हम ऊपर वाला जो पार्ट है बोतल का वहाँ पर हम थोड़ा सा होल कर लिए हैं और यहाँ पर जो पीछे वाला जो पार्ट है वो भी हम थोड़ा सा होल कर लेंगे दोनों साइड। अब यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट जो हम अच्छी तरह से कट लगा लेंगे, दोनों साइड हम अच्छी तरह से कट लगा लेंगे। कभी कभी क्या होता है भिगा करके लाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होता है सुखाने में, बहुत ही परेशानी होता है, तो इस तरह करके अगर रखिएगा तो
कितनों आपका जूता चप्पल भिगा करके लाएगा तो बहुत ही आसानी से आपका सूख करके तैयार हो जाएगा। जो 2-3 दिन लगता है जूता चप्पल सूखने में, वो आपका एक ही दिन में सूख करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर हम कट लगा लेंगे इस तरह करके लंबाई में। यहाँ पर हम दोनों साइड थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम गेप रखेंगे, ज़्यादा हम गेप नहीं रखेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर हम कट लगाएंगे। जितना अच्छी तरह से यहाँ पर हम कट लगाएंगे उतना ही अच्छी तरह से बन करके तैयार होगा मेरा यहाँ पर। पहले हम ये सब बना करके हम तैयार कर लेते हैं। जब भी मेरा बिस्लेरी का बोटर खाली रहता है तो हम बना करके तैयार कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पीछे साइड को जो यहाँ पर है ये वाला पार्ट, इसको हम काट करके हटा लेंगे। इसको हमने रखेंगे, इनको हम हटा देंगे। बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा और आपका बहुत ही काम आने वाला है किचन का, और आपका समय बहुत ही बचत हो जाएगा। घंटों के काम मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगा, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपका जूता चप्पल सूख करके तैयार हो जाएगा। पर हम बोतल को अच्छी तरह से यहाँ पर हम बराबर कट लगा लेंगे। जितना अच्छी तरह से हम बराबर कट लगाएंगे उतना ही सुंदर बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा और आपका बहुत ही काम आएगा। अगर आपका पास 2-3 बोतल है, चाहे जितना भी है, तो इस तरह करके तैयार करके रखिएगा। जब भी जूता चप्पल भिगा करके लाएगा तो यहाँ पर इस तरह बनाया हुआ रहेगा तो आपका बहुत ही जल्दी काम भी बन जाएगा, ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है 2-3 लग जाता है जूता चप्पल सूखने में, तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी सूख करके तैयार हो जाएगा। तभी ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। आप लोग लाइक करते कमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है मेरे साथ एक परिवार जुड़ गया है उसी तरह लगता है। अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से यहाँ पर हम कट लगा लिए हैं, यहाँ पर एकदम बहुत ही सुंदर बन करके तैयार भी हो गया। अब यहाँ पर हम बीच में थोड़ा सा यहाँ पर हम फिर से होल करेंगे, और होल करने के बाद यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर हम जूता चप्पल रखेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। वीडियो में बना रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पर हम जूता चप्पल कैसे यहाँ पर हम सुखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम होल भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक अल्मीनियम का चूड़ी लेंगे, जो हम होल किए हैं उसमें हम चूड़ी को घुसा लेंगे, और दोनों साइड हम अच्छी तरह से चूड़ी को मोड़ देंगे। जैसे मेरा चूड़ी खुलेगा नहीं, जिस तरह कड़ी रहता है उसी तरह यहाँ पर बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ पर एक छोटा सा घर का जुगाड़ बन करके तैयार हो गया, वो भी यहाँ पर एक बोतल से बना करके हम तैयार किए हैं। अब यहाँ पर हम एक चप्पल लिए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। हम बोतल में घुसा लेंगे चप्पल को, बहुत ही आसानी से यहाँ पर जितना भी आपका जूता चप्पल में पानी रहेगा सब आसानी से निकल आएगा। कितनों भींगा हुआ रहेगा तो बहुत ही जल्दी सूख भी जाएगा। और देखिए इस तरह करके कहीं पर टांग दीजिए और आपका जितना भी जूता चप्पल का पानी रहेगा सब आसानी से नीचे गिर जाएगा। जब भी जूता चप्पल का पानी निकल जाएगा तो आसानी से जूता भी सूख जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपका ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा। कभी कभी बहुत ही दिक्कत हो जाता है बच्चा लोग को जूता चप्पल नहीं सूखता है तो इस तरह करके बना करके तैयार कर लीजिए और फिर टांग करके रख दीजिए। अगर ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।